दरगाह हजरत शाह सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह पीरजादा मुरादाबाद में 11 शाबानुल मुअज्जम की शाम को बाद नमाज़े असर हर माह की तरह इस माह भी 11वीं शरीफ के महाना महफिल निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनाकिद की गई, जिसमें काफी तादाद में खानकाही व निस्बती हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर उल शरीफ पढ़ा गया और दुआ के साथ कबल सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। सलातो सलाम के बाद पहले तो दरगाह शरीफ के खादिम खास व नायब सजादा नशीन अलहाज सरफराज आलम चिश्ती साबरी ने और फिर दरगाह हजरत कुतबे आलम रहमतुल्लाह अलैह गंगो शरीफ के सजादा नशीन व मुतवल्ली हजरत अलहाज शाह मोहम्मद महताब आलम कुद्दूसी साबरी नुमानी के खलीफा मजाज व दरगाह हजरत शाह मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नायब सजादा नशीन खलीफा सैयद यूसुफ अली कुद्दूसी ने दुआ फरमाई। गुल बीमारों को शिफाए कामला और आयजा अता फरमा। मौला अपने महबूब पाक के वसीले से सबके कारोबार में बिलखसूस सैयद आलम अली साहब उनके कारोबार में रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमा। और मौला अपने महबूब पाक के वसीले से उनकी आले पाक के वसीले से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान की फिजा कायम और कायम फरमा। मुसलमानों का तहफ़ अता फरमा। मौला जितने हाजरीन हैं और जो इनके दिल में है वो तेरे इल्म है मौला, सब पर अपना खुसूसी करम फरमा। सबके मुरादों को तमन्नाओं को इरादों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा और मौला कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको सेहत और सलामती ईमान के साथ लंबी उम्र अता फरमा। हर बला और आफत जादू टोने से हिफाजत फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी शैतान के शर से शरीर इंसान शरीर जिन्नात आने वाले लड़ाई झगड़े बददात बलयात आफात हादसात बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह और रब करीम हमें जो भी यहाँ परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर रब करीम ये नज़्र पेश की जा रही है अल्लाह सैयद आज़म अली कुद्दूसी के द्वारा यहाँ पर लंगर पेश किया जा रहा है, इनके द्वारा ये रब करीम यहाँ पर नज़र पेश की जाती है। अल्लाह इन्हें ज़मीनी आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनके कारोबार में दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें और लंगर लुटाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह रब करीम हम सबको लंगर लुटाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें रब करीम दीन दुनिया की दौलत से नवाज दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रब करीम रहमत और अनवार की बारिश अता फरमा। हमारे दिलों में सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें रब करीम कोई वालदैन बच्चों से परेशान है, ऐ अल्लाह कोई रिश्तों से परेशान है, ऐ अल्लाह तुझे खातून जन्नत का वास्ता नेक सवाले रिश्ते अता फरमा के साथ इज्जत से उनकी शादी करा। उनके वालदैन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह दस्ते गैब अता फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त सियासी हलचल चल रही है, ऐ अल्लाह हमारे हक में जो बेहतर हो वो फैसले अता फरमा। ऐ अल्लाह रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के दुश्मनों को रब करीम या जो भी हिंदुस्तान के अमन के दुश्मन है अल्लाह उन्हें नेस्तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तो पहले हमें सुरखरू अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम निस्बते रब करीम हमारे पास मसाइल है, हमारे पास कुछ अमाल ऐसे नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश कर सकें। ऐ अल्लाह हम तेरे महबूब के उम्मती अपने
वाजे हो कि दरगाह हजरत शाह सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ला पीरजादा मुरादाबाद में हर माह चांद की 11 तारीख को हुजूर पीराने पीर हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह अन्हु की महाना महफिल निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनाकिद की जाती है। इस बारे में जानकारी देते हुए खलीफा सैयद यूसुफ अली कुद्दूसी साबरी ने बताया, आज 11वीं शरीफ का प्रोग्राम था जो हर माह हज़रत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह रोज़े वाली ज़्यारत में हर महीने की 11वीं तारीख को मनाई जाती है। हर महीने की 11 तारीख को ये गौसे आज़म की तारीख यहाँ मनाते हैं हम। हज़रत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के आंगन में जश्न गौसे आज़म मनाते हैं हम, जिसका सारा इंतज़ाम लंगर का सैयद आज़म अली कुद्दूसी द्वारा किया जाता है। इसे लगभग 4-5 साल हो गए ये मनाते हुए, और हम हज़रत मज़हरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुब आलम पाक और सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब की रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक ही तारीख 23 तारीख चांद की वो भी मनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सब लोग आते हैं, फैज़याब होते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे अकीदतमंदों से इस मौके पर? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि बारगाह इब्राहिमी में जो यहाँ फैज़ बढ़ता है, यहाँ कुद्दूसी फैज़, साबरी फैज़ और गौसे आज़म का फैज़ान यहाँ बढ़ता है, यहाँ आइए, अपनी मुरादें पाइए, और यहाँ इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, एकता का पैगाम दिया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क भी सूफी संतों का मुल्क है, और यही दुआ है कि रब्बे करीम हमें आपस में तफाक इत्तेहाद मोहब्बत कायम और दायम फरमाए, इस हिंदुस्तान में आपस में तफाक अता फरमाए, रब्बे करीम अमन और सुकून अता फरमाए, और हमारी खानकाहों के जो रिवायत है अदब पसंदी की और इंसानियत पसंदी की, ये कायम और जारी रहे, और हमारा फैज़ान इब्राहिमी, हजरत का फैज़ान इब्राहिमी, फैज़ान कुतुब आलम आम हो जाए। और मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चांद की 11 तारीख और चांद की 23 तारीख को ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, जिसमें कि यहाँ कुल में शिरकत फरमा कर फैज़ान कुतुब आलम, फैज़ान इब्राहिमी और फैज़ान गौसे आज़म से मालामाल हूँ। कुल शरीफा दुआ के बाद सभी हाजरीन की खिदमत में गौसिया लंगर पेश किया गया।